आपका पहला सवाल है, घोंसला बनाने वाला सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आपके विकल्प है ए कबूतर, बी तोता, सी चिड़िया, डी कोलिब्री। आपका सही विकल्प होगा डी कोलिब्री। आपका दूसरा सवाल है, कौन सा देश सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? आपके विकल्प है ए भारत, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ब्राजील। आपका सही विकल्प होगा सी अमेरिका। आपका तीसरा सवाल है, दुनिया का सबसे खट्टा फल कौन सा है? आपके विकल्प है ए नींबू, बी क्रेनबेरी, सी इमली, डी कटहल। आपका सही विकल्प होगा बी क्रेनबेरी। आपका चौथा सवाल है, किस मंदिर में चॉकलेट चढ़ाया जाता है? आपके विकल्प है ए अक्षरधाम मंदिर में, बी काशी मंदिर में, सी सुब्रमण्यम मंदिर में, डी केदारनाथ मंदिर। आपका सही विकल्प होगा सी सुब्रमण्यम मंदिर में। आपका पांचवा सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर किस राज्य में बना था? आपके विकल्प है ए बंगलुरु में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में, डी राजस्थान में। आपका सही विकल्प होगा ए बंगलुरु में। आपका छठा सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? आपके विकल्प है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ब्राजील। आपका सही विकल्प होगा डी ब्राजील। आपका सातवां सवाल है, किस जानवर पर सांप का जहर असर नहीं करता है? आपके विकल्प है ए कछुआ, बी नेवला, सी चूहा, डी मछली। आपका सही विकल्प होगा बी नेवला। आपका आठवां सवाल है, किस जानवर के पास 42 दांत होते हैं? आपके विकल्प है ए गाय, बी भालू, सी हाथी, डी मगरमच्छ। आपका सही विकल्प होगा डी मगरमच्छ। आपका नौवां सवाल है, किस देश को पहाड़ों का देश कहा जाता है? आपके विकल्प है ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी अमेरिका। आपका सही विकल्प होगा बी नेपाल। आपका दसवां सवाल है, विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है? आपके विकल्प है ए सूर्य, बी केला, सी संतरा, डी आम। आपका सही विकल्प होगा ए सूर्य। आपका 11 नंबर सवाल है, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? आपके विकल्प है ए कृष्णा नदी, बी गंगा नदी, सी कैनो क्रिस्टल्स, डी गोदावरी नदी। आपका सही विकल्प होगा सी कैनो क्रिस्टल्स। आपका 12 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर, डी 2 दिसंबर। आपका सही विकल्प होगा बी 29 अगस्त। आपका 13 नंबर सवाल है,
पेटीएम किस देश की कंपनी है? आपके विकल्प है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। आपका सही विकल्प होगा ए भारत। आपका 14 नंबर सवाल है, आंखों के लिए कौन सा फल लाभदायक होता है? आपके विकल्प है ए अमरूद, बी अंगूर, सी सेब, डी संतरा। आपका सही विकल्प होगा डी संतरा। आपका 15 नंबर सवाल है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके विकल्प है ए विवश होना, बी तनिक भी ना पसीजना, सी विपत्तियों में विचलित ना होना, डी कठोर हृदय। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।